हाल ही में जदयू पार्टी ज्वाइन करने वाले सुनील कुमार ने मंगलवार को भोरे सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पर्चा दाखिल किया। दोपहर में समर्थकों के साथ हथुआ अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर DCLR सह निर्वाची पदाधिकारी अजय कुमार के कक्ष में नामांकन पर्चा भरा। वो भोरे विधानसभा क्षेत्र से NDA के घटक दल जदयू के उम्मीदवार के रूप में नामजदगी का पर्चा दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद सुनील कुमार ने कहा कि सूबे में NDA की सरकार बनेगी। जनता ने फिर से NDA के पक्ष में वोट करने का मूड बना लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पिछले 15 सालों से जिस रफ्तार से बिहार का विकास हुआ है वो एक मिसाल है। मुख्यतः जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और जदयू के जो पार्टी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो विकास का सर्वांगीण विकास का मुद्दा है और वही रहेगा और साथ ही साथ यहाँ की विधि व्यवस्था संधारित रहे और अन्य क्षेत्रों में भी जो विकास हुए हैं और उसमें प्रगति हो, चाहे वो रोड का हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का हो या पढ़ाई की बात हो, शिक्षा की बात हो, पर्यावरण की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में जिससे आम जनता का ताल्लुकात है, उन सभी क्षेत्रों में जितना और अधिक विकास हो सके होगा। और दूसरी बात है कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगर जनता का आशीर्वाद और सहमति और उनका सहयोग मिलता है तो जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाऊं, सभी का सर्वांगिक विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, मैं जनता के लिए उपलब्ध रहूंगा और साथ ही साथ उनकी जो भी समस्याएं हैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। और आज आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि जो विकास की धारा है और उस वो पार्टी जनता दल यू और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका मैं ज्वाइंट एक प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस इलेक्शन में। NDA की विचारधारा विकास की विचारधारा है, सबको लेकर साथ चलने की विचारधारा है। हम कोशिश करेंगे कि ये क्षेत्र में और इस क्षेत्र में और विकास हो। संवाददाता प्रवीण गुप्ता, VSRS न्यूज़, हथुआ, बिहार।